हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर घोटाले की जांच को लेकर गठित कमेटी पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं नैना देवी से कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने सवाल खड़े करते हुए एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कमेटी का सदस्य न बनाए जाने की बात कहते हुए मामले पर लीपापोती करने के मकसद से कमेटी का गठन किए जाने का आरोप लगाया है। जी हां, बिलासपुर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने पिछले दो सालों में पहले पत्थर बम और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों सहित विभिन्न उपकरणों की खरीद को लेकर घोटालों की निष्पक्ष जांच के बजाय मामलों को दबाने के लिए लीपापोती करने का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया है। रामलाल ठाकुर का आरोप है कि 3.5 लाख के वेंटिलेटर को 10 लाख रुपए में खरीद कर जहां उड़ीसा के अनुकरण की बात कहकर प्रदेश सरकार इस मामले से अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में एक के बाद एक घोटालों ने प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया है, जिसकी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच करवाने की बजाय प्रदेश सरकार मामले को दबाने में लगी हुई है। मेरी सूचना के मुताबिक जो कमेटी बनी थी, चीफ सेक्रेटरी उसके जो है वो ओवरऑल इंचार्ज थे, और जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में एक डॉक्टर थे जो मेडिकल जो है डिपार्टमेंट से वो जो है वो प्रिंसिपल थे, कोई फॉर्मर प्रिंसिपल, जिनके मैं ये कहना चाहूँगा कि साथ जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ एंड एक मेडिकल डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर था, एक आईएएस ऑफिसर था। लेकिन अगर रूल्स के मुताबिक देखा जाए तो उसमें जो है वो एनेस्थीसिया का और दूसरे जो है वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए थे। लेकिन इस खरीद में क्या हुआ कि इस खरीद में उन मेंबर्स को बनाया गया जो मेंबर्स जो है वो उसके लिए जो है वो अधिकृत नहीं थे, और गवर्नमेंट को उनकी नोटिफिकेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। अगर मान लो 3.5 लाख का वेंटिलेटर 10 लाख में खरीदा गया और फिर ये कहा गया कि हमने उड़ीसा सरकार का अनुसरण किया है कि भाई उड़ीसा में क्योंकि इस भाव में ये वेंटिलेटर खरीदा गया तो हमने उड़ीसा का अनुकरण किया। मैं ये कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश आज पायनियर बन गया हुआ है घोटालों में, स्वास्थ्य विभाग के घोटालों में, और सरकार उस पर जो है वो लीपापोती करना चाह रही है। आज टॉस हो रहा है ये एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत बड़ा जो है वो घोटाला हुआ है। और जब मुख्यमंत्री के पास ये डिपार्टमेंट है तो और मुख्यमंत्री जो है वो हर चीज के लिए जिम्मेवार है, तो जो भी घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग बुरी तरह से जो है वो आज हिमाचल प्रदेश को बदनाम कर रहा है, और आज लूटपाट मरी है, कोरोना जो है वो जो फैला हुआ है लूटपाट करके जो है वो सारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। दो सालों की बात कर ली जाए तो एक पत्थर बॉम्ब फटा था, उस पत्थर बॉम्ब में भी स्वास्थ्य विभाग और उसमें विपिन परमार जो आज के हमारे स्पीकर है माननीय स्पीकर, उनके ऊपर उंगलियां उठी थी। उसमें सरकार ने ये नहीं इंक्वायरी करवाई कि जो वहां पे भ्रष्टाचार हुआ है उसकी इंक्वायरी हो, लेकिन ये हुआ कि ये पत्थर बॉम्ब किसने किया, तो वहां पे जाके जो है वो एक पूर्व मंत्री है उनको निशाना बनाया गया।